भारत निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस एनसीपी और सीपीआई से चुनाव आयोग ने नेशनल पार्टी का दर्जा इसलिए वापस लिया है क्योंकि ये पार्टियां उन शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी जो कि राष्ट्रीय दल होने के लिए निर्धारित हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इन दलों को दो संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन वे राष्ट्रीय पार्टी के लिए निर्धारित मानक पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए उनका ये दर्जा वापस ले लिया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय दल होने के लिए पहला मापदंड है कि कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीते। वहीं दूसरी शर्त है कि 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटाए। तृणमूल कांग्रेस एनसीपी और सीपीआई चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित इन मापदंडों पर खरे नहीं उतरे, लिहाजा इनकी राष्ट्रीय दल की मान्यता चुनाव आयोग ने समाप्त कर दी है। बता दें कि वर्तमान में देश में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कुल 6 पार्टियां हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और अब इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है।